राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। कल जो प्रश्न किया था किसने आ गई है? वाह, कल उत्तर नहीं दिया था आज देंगे। दे देंगे तू समझ देगी। चलो खैर, उत्तर तो हम देंगे। इसको बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते, तुम छोटी सी हो कैसे समझोगी। ये प्रश्न था, पहले हम प्रश्न बता दें। क्या कारण है जीवन भर लोग उपासना करते हैं भगवान की मूर्ति की, खास करके कोई गोपाल जी रखता है, कोई जुगल सरकार रहता है, और जीवन भर उनकी सेवा किया, और काम क्रोध लोभ मोह बढ़ते गए। बड़ा छोटा सा प्रश्न है। यहां तक कि बड़े बड़े मंदिरों में भी प्रसंग चल गया तो बताना पड़ता है। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये सब प्रसिद्ध ठाकुर हैं। पंद्रह बीस साल बाद पुरानी होगी, राधा वल्लभ जी के एक गोसाई ने दूसरे गोसाई को गोली मारा सिर में, ललाट में, मर गया वहीं। जीवन भर राधा वल्लभ जी की सेवा किया। और क्या परिणाम रहा?
मंदिर के दरवाजे पर माल दिया गोली, खास राधा वल्लभ जी के दरवाजे पर। ये विचार नहीं किया कि ये हमारे इष्ट का मंदिर है। पैंसठ साल पहले वृंदावन के सबसे बड़े गुंडे लकुट मुकुट थे, बिहारी जी के गोसाई। सारा वृंदावन उनसे कांपता था, डरता था। हम जब आए तो हमने उनका नाम सुना था। लकुट मुकुट उनका नाम था, वृंदावन में किसी की हिम्मत नहीं उनकी ओर देख दे। ये जीवन भर सेवा किया बिहारी जी की, और क्या परिणाम हुआ? इसके अलावा यहाँ रहते थे वो रिसीवर बन गए थे बिहारी जी के। रिसीवर माने गवर्नमेंट का आदमी जो वहाँ हिसाब देखेगा। ये सब बातें हम सुनी भाई नहीं बता रहे हैं, पक्की बता रहे हैं। 8 करोड़ रुपए से ज्यादा साल भर का बिहारी जी का कम से कम भेंट होता है। आठ करोड़ में से उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, बिहारी जी की गली छोटी है, तो कुछ मकान खरीद ले लिए जाए और गली बड़ी बन जाए। लेकिन कोई भी अपने हिस्से की सेवा या पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। ये अभी कुछ दिन की बात है, ज्यादा नहीं होगा 10 साल। इन पुजारियों की जो हालत है, श्री जी का मंदिर देखो, सारा संसार आता है बरसाना, और 8-10 साल की बात होगी या ठीक पता नहीं, हमको भूल जाते हैं। श्री जी के मंदिर में आपसी झगड़े में श्री जी की सेवा बंद हो गई। न भोग लगा न कुछ लगा। और पुलिस गई, थानेदार मंदिर में घुसा, जबकि उसको नहीं घुसना चाहिए। कई दिन तक ये झगड़ा चलता रहा। और ये तो खास खास बातें बता रहे हैं, छोटी बातें तो जाने कितनी हैं। क्या रहा
जीवन भर इन विग्रहों की सेवा किया, और वृंदावन में एकादशी को रंग भरी होली होती है, हमने सुना है कि कोई भी युवती कठिनता से बिहारी जी के मंदिर में जाती है, वहाँ के जो गोस्वामी लोग हैं वे ऐसी होली खेलते हैं कि अभद्र। ना हम गए ना हमने देखा, हमने तो खाली बरसाना देखा। सुनते हैं न काम छूटा, न क्रोध छूटा, न लोभ छूटा, मंदिरों में लोगों ने जाना बंद कर दिया। जो बड़े बड़े लोग थे, स्वामी अखंडानंद जी आए बरसाने में, ये हमारे सामने की बात है। उनसे इतना मांगा लोगों ने कि उन्होंने कहा अब हम कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है? मूर्ति पूजा से तो हृदय शुद्ध होना चाहिए, मूर्ति पूजा चलाई क्यों गई? हृदय शुद्ध करने के लिए। सातवां स्कंद चौदहवां अध्याय, उनतालीसवां श्लोक, मूर्ति पूजा क्यों चलाई गई? दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणां अवज्ञानात्मतां नृप। त्रेतादुषु हरेर अर्चा क्रियायै कविवेकृता। अब तूने प्रश्न पूछ लिया, समझेगी है नहीं, लेकिन सुनो। सत्युग आदि बीता, त्रेता आदि में आया, तो वहां देखा लोगों ने मिथो माने आपस में, नृणाम मनुष्यों की अवज्ञात्मा अवज्ञानात्मता, एक दूसरे का अवज्ञा कर रहा है। अवज्ञा माने सम्मान नहीं करना। अब उपसर्ग जब लग जाता है तो उसका अर्थ होता है नीच, नीचे। जैसे अवतार, अवतार माने भगवान जब नीचे आते हैं, उतरते हैं। अवज्ञा माने हुआ था है उसको नीच करके जानना, इसको अवज्ञा कहते हैं। ये तू कैसे समझ सकती है? अवज्ञा करने से सब भजन नष्ट हो जाता है।
तीसरे स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, कपिल भगवान ने, उनतीसवें अध्याय में इक्कीसवां श्लोक है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरते अर्चा विडंबनम। अर्चा माने सारा तुम्हारा पूजन ढोंग हो गया, अवज्ञा क्या है ये समझो। तू कैसे समझ लेगी इतनी छोटी सी है, अवज्ञा माने अभाव, किसी को भक्त नहीं समझना, किसी में हीन भाव रखना अवज्ञा है। यही पाप किया था बैकुंठ में जय विजय ने, तो सनकादिक ने शाप दिया था तीन पंद्रह चौंतीस, जाओ तुम लोग यहां से बाहर चले जाओ, अंतर अभाव दृष्टिया, अभाव आ गया तुम्हारे अंदर, उन्होंने कोई मारा नहीं, पीटा नहीं, हिंसा नहीं किया, तीसरी लाइन है ब्रजतम इतो ब्रजतम, बैकुंठ से चले जाओ। बोले क्यों, हमने कोई छिनारी नहीं किया, किसी की हिंसा नहीं किया, तुम्हारे भीतर अभाव आ गया, इसलिए जाओ नीचे जहां तीनों नाचते हैं काम क्रोध लोभ, ये तीनों तुमको रगड़ेंगे, घोर कामी बनोगे, घोर क्रोधी बनोगे, घोर लोभी बनोगे, त्रय पापी शस्त्रय में ये तीन सबसे बड़े पापी हैं। ये तीनों सीधे नरक के द्वार पे ले जाते हैं मनुष्य को। वाह देखो ये पढ़ाई इसकी अच्छी है, इसीलिए इसको हम परीक्षित कहते हैं, अपने आप संख्या बता गई। सोलह बटे इक्कीस, त्रिविधम नरकस्य एवं द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोध तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये तीन सीधे डायरेक्ट नरक के द्वार हैं, एक घंटे की देर भी नहीं लगाएंगे तुमको। तो जाओ तुम यहां से बैकुंठ से बाहर चले जाओ,
और जहां तुम घोर कामी बनोगे। रावण ने समस्त देवांगनाओं का हरण किया था, भोगा था, क्रोधी इतना था कि अपने बहनों बहनई को मार डाला। शूर्पणखा उसकी बहन थी, बहन को विधवा कर दिया। लोभी इतना था कि सीता जी का हरण किया। ये सब क्यों हुआ कि शाप दिया था सनकादिक जी ने। क्यों दिया था? अभाव आ गया था। भगवान के भक्तों में अभाव हो जाना ही बहुत बड़ा पाप है। और भाव अगर कहीं आ गया तो समझो रास्ता खुल गया भगवान से मिलने का। कल हम रसमंडप से लौट रहे थे तो कोई लड़की मिली, हम याद तो रखते नहीं कहाँ नाम वाम क्या है। इतना बड़ा समुदाय है, नाम किसका याद रखेंगे। उसने बीच में कहा, गाड़ी पर हम बैठे थे, कि मैं अब बोला करूंगी दीदी से, अब तक नहीं बोलती थी। ये क्या था? एक भाव था। न बोलना अभाव है। जब उसने कहा तो हम समझ गए ये एक कृष्ण प्रिया के सत्संग का प्रभाव है। लोग समझते हैं हम पक्ष करते हैं, ठीक है हम करते हैं, और हमसे राधाकांत स्वयं कहते हैं आप पैदा कराते हो, एक की तारीफ करते हो दूसरों के अंदर द्वेष पैदा होता है। ठीक है, हम जो समझते हैं वो जरूर कहते हैं, दूसरे के अंदर द्वेष पैदा हो तो हो जाए। समझदार आदमी गुणों को ग्रहण करेगा। अभी 7-8 दिन पहले गई थी कृष्ण प्रिया 8-10 लड़कियों को लेकर के, कि हम लोग अब सदा सुमति से रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वो हमको बात याद थी और कल वही बात याद आई। किसी के अंदर भाव पैदा हो गया, बस भगवान से मिलने का रास्ता खुल गया। भाव कब आता है? गीता खोलो 4:10। मीत राग भय क्रोधा मिला। तीन चीजें तुम्हारी चली गई, राग भय क्रोध। राग माने मोटी हिसाब से प्रेम शरीर में इंद्रियों में, भय क्रोध। इस क्रोध को ही द्वेष कहते हैं।
लोग समझते नहीं, द्वेष के अनेक रूप होते हैं, चार प्रकार के कषाय होते हैं, अभी कल बताया था हमने। ईर्ष्या कालुष्य, परापकार, चिकीर्षा कालुष्य, असूया कालुष्य, अमर्ष कालुष्य। फिर से कह देते हैं, कालुष्य मन कालापन, किसी से ईर्ष्या करना ये कालापन है। परापकार चिकीर्षा, उसका नुकसान हो जाए या नुकसान सुन के खुश हो जाएं, ये परापकार चिकीर्षा है। असूया, दोष देखना, ये कालुष्य है। अमर्ष, नहीं सह पाए, ये कालुष्य है। हम लोग दूसरे के मलमूत्र से घृणा करते हैं क्योंकि दूसरे की टट्टी है, रोज अपनी धोते हैं क्योंकि वो अपनी टट्टी है इसलिए प्यारी लगेगी। अहंता ममता इतनी सूक्ष्म चीज है, अपना मलमूत्र भी प्यारा लगता है। क्योंकि उसमें राग है हमारा, जब राग चला जाएगा अपने शरीर से, इंद्रियों से, सबसे, तब कृष्ण भाव आएगा। बीत राग भय क्रोधा, राग चला गया, क्रोध मने द्वेष चला गया, और भय कहते हैं अंधता मिश्र को। इन तीनों में पांचों विद्या गई। राग को महामोह भी कह देते हैं, क्रोध को तामिश्र कह देते हैं, और भय को अंधता मिश्र कह देते हैं। पांच अविद्याएं होती, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। ये पांचों अविद्याएं आ गई इसी में, राग भय क्रोध में। ये जब चली जाएंगी तब मनमया कृष्णमय तुम्हारा मन बनेगा और तब तुम्हारा आश्रय सही होगा। इनके रहते आश्रय सही नहीं हो सकता। कहीं भी राग है माने ममता प्रेम, वो गलत है। सबकर ममता ताग बटोरी, चाहे माँ की है, चाहे बाप की है, चाहे अपने शरीर की है। तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये हमारा परिवार है, ये सब गलत है। ठीक है, बा तब तुम्हारा मन कृष्ण में बनेगा, कृष्ण भाव आएगा। पूता मद भाव मागता, मद भाव मने कृष्ण भाव आएगा। इसके पहले भाव नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा तुम यहां से चले जाओ, निकल जाओ, और तीनों तुमको इतना रगड़ेंगे
कि तीनों लोग रोने लग जाएगा। रावण मने जिसने तीनों लोगों को रुला दिया, रावयति इति रावण। रव मने शब्द करना, रव से राव बना, अड़ंत में शब्द कराता है। तीनों लोग चिल्लाने लग गए, रावयति इति रावण। क्या देवता, क्या सुर, नर मुनि सब रोने लग गए। ऐसा रावण था। महान क्रोधी, महान लोभी, महान द्वेषी। हनुमान जी गए लंका में तो सैकड़ों रावण के रूप थे, हर महल में रावण विहार कर रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिगृह शोधा, रावण के भोग का एक दोहा बता दें रामायण से। इसे तुम समझ जाओगे। नहीं वो दुआ नहीं है। क्यों, क्या है पढ़? नहीं वो नहीं है। हाँ संख्या बताओ। हैं ठीक कह रहे हो। सैकड़ों इंद्र के समान भोग भोग रहा है, उसका भाव यह है। क्या है पढ़ो। हाँ ये दुआ है। अब निकाल लेंगे भाई। दसवां है सुनाशीर शत सरिसो। सुनाशीर कहते हैं इंद्र को। एक इंद्र ही तीनों लोक की अप्सराओं को भोगता है और सैकड़ों इंद्र के समान जो निरंतर विलास कर रहा है, ऐसा कावि बना, कोई देवांगना नहीं छोड़ी। संतत करे विलास, ऐसा बन गया अंधा। परम प्रबल रिपुशीश पर तद्यप सोचन त्रास। राम सिर पर आ गए हैं लंका में, उसको डर नहीं है। काम इतना अंधा कर देता है मनुष्य को। उसी तरह से अभाव होता है, वैकुंठ में भी अभाव पैदा हो गया। और अभाव ऐसा पैदा हुआ कि तुरंत श्राप मिला और असुर बन गए। अभाव क्या था? शंका किया था, तीन पंद्रह बत्तीस।
को वह आत्मवत को कहो परिशंकनिया, शंका करना यह अभाव है। कल के घटना बताएं हम आपको, ये लोग अमेरिका पहुंचे, मुरली और पंडित जी राधिकेश, ये चर्चा करनी नहीं चाहिए क्योंकि यहां की तुरंत खबर पहुंचती है, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि यहां की खबर पहुंचेगी और उससे नुकसान होगा उनका, लेकिन बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा। उससे जिसके पास पुण्य का पहाड़ था, एक 84 कोस के यात्री को सेवा करने से अनंत पुण्य होता है, कल हमने श्लोक बताया था। कई कई हजार यात्रियों को भोजन कराना, सोचो कितना बड़ा पुण्य था, सब जल गया। ये अभाव की आदत हम सब में है, ये भाव आता है किसी अच्छे आदमी के पास बैठने से, संग से। किसी की निंदा सुनना ही अभाव है, भगवती ने स्वयं कहा है चौथे स्कंद में, चार चार तेरह, नाश्चर्यमेतद् यद् असत् सुसर्वदा। असत पुरुषों का लक्षण क्या है? सर्वदा मने दिन में भी रात में भी महद विनिंदा, निंदा करते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे दिन है कि रात है, कि यहां का है कि बाहर का आदमी है, उनके अंदर वृत्ति बन जाती है। और उसका परिणाम क्या है? कुणपात्मवादी बन गए, मुर्दे बन गए, कुणप माने मुर्दा। शीर्ष्यम ईर्ष्या आ गई, और निरस्त तेज, उनका तेज नष्ट हो जाएगा, बिना कहे नष्ट हो जाएगा, चाहे साधु बन जाओ चाहे संत बन जाओ। इससे बचने का रास्ता है कौरणों पिधाय निर्याद या कल्प ईशे, चार चार सत्र, कान बंद करके चले जाओ, निर्याद मने बाहर निकल जाओ, अकल्प मने असमर्थ हो, ईशे मने भगवान, ईशे मने भगवान के भक्त, धर्माभितरी में धर्म के रक्षक संत लोग, असरी भी क्रूर मनुष्यों के द्वारा अस्य माने निंदा करने पर चले जाओ वहां से, और तुम्हारे में ताकत है तो छिंद्यात प्रसय रुषतीम अस्तिम प्रभुश्चेद, उसको पटक दो और उसकी जीभ को काट डालो, और नहीं तो प्राण छोड़ दो। कान बंद करके बाहर तो हर आदमी जा सकता है, और हम किसी की निंदा सुन रहे हैं इसके माने कि हमारा विनाश हो रहा है। वो साधु बड़ा लोभी है,
वो लड़की बड़ी चालाक है, बड़ी चंट है, ये सब बातें क्या हैं? अभाव की हैं। जो कह रहा है, जो सुन रहा है, दोनों दोषी हैं। तो उन्होंने कहा, सनकादिक ने, तुमको शंका का स्वभाव बन गया। 3:15 आत्मवत परिशंकनीय 25-32 शंका, जरूर पैसे की चोरी होती है। शंका, तीन लड़कियां बैठी हैं, कोई पुरुष बैठा है तो शंका करना है, अवश्य इनमें काम है। विश्वास ही हट जाता है कि संसार में कोई भी शुद्ध भाव से बैठ सकता है। शंका आई और अभाव आया, अभाव से जीव का नाश हो जाता है। और उस नाश का परिणाम क्या होता है? सात 14 यही हम बता रहे थे कि आराधना क्यों चलाई गई। हाँ, आराधना से मन शुद्ध हो जाता है। 7:14-39 नहीं, अभी हम बताएंगे, 40 पीछे जाएगा, 39 देखो। देखा महर्षियों ने, अवज्ञानात्मता, अवज्ञान माने अभाव, अभाव की आदत पड़ जाती है। हर जीव में अभाव कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है। तो उन्होंने क्या, त्रेता से मूर्ति पूजा चली है। त्रेता में हरेर अर्चा, भगवान की मूर्ति पूजा, क्रियाएं कभी भी कृता, हमारी क्रियाएं आराधनामय बन जाएं। आराधना से बड़ी जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये मूर्ति पूजा इसलिए चलाई गई, हरेर अर्चा क्रिया जायी कभी भी कृता। बोले आराधना से कैसे? आराधना एक ऐसी चीज है, मूर्ति है जड़, बोलती नहीं, चलती नहीं। जड़ वस्तु में भाव पैदा करना, जड़ वस्तु में उसको आराधना मतलब खिलाना पिलाना सुलाना, इससे एक भाव शक्ति पैदा होती है। जब जड़ वस्तु में भाव पक्का हो जाता है तो वही है आराधना। भगवान ने कहा कि मेरी शरणागति कैसे होगी? इसलिए होगी कि सर भाव से तुम हमको भजोगे।
भगवान ने 18वें में 18/62 कमाल है, इधर ये बताती हैं, इधर क्या नाम तेरा है, क्या नाम, दया, वाह 18/62 ठीक कहा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से, सर्वभाव ने हमारा मन भगवान, हमारा इंद्रिय भगवान, हमारा शरीर भगवान, कहीं संसार में ममता नहीं रही, न माँ न बाप न भाई न बंधु, अवश्य सर्वभाव से जब भजन करोगे तस्मात तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हम लोग बचा के रखते हैं, सर्वभाव का ही चमत्कार है, जो रस मंदिर में सेवा चल रही है और जो मुरली बोल रही है, अभी सवेरे हमने देखा उसकी भाषण में विदेश में कई सौ आदमी बैठे, जो कि वहाँ बहुत बड़ी बात है, और शांत सुन रहे थे। ब्रजराज ने कहा ये कमाल है, इतना विरोध के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है, इनकी दादी थी जमुना जी, उन्होंने जैसा भजन किया वो अभी तक तो हमारे सामने कोई नहीं आया। मरने के पहले, एक साल पहले जितनी तनख्वाह थी बाबूलाल की, उनके पति की, वो सब बुलाया हमको और महाराज ले जाओ पैसा, ये हमारे यहाँ नहीं रहेगा। फिर अगले साल उनकी मृत्यु होनी थी, तब भी उन्होंने मरने के पहले यही किया। बीमार अवस्था में उन्होंने हमको बुलाया था और ये बेटा बहू किसी कारण से चले गए थे वहाँ खंडार, तो तीनों लड़कियों को बुलाया, ये तुम ले जाओ महाराज, इनका गुजारा यहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा यहीं रखो। इसके पहले घर में 43,000 कर्ज था, 43,000, और उनको लिख के दिया था किसी ने कि तुम्हारे घर में खाने वाले चार हैं और मंदिर के खाने वाले बहुत से लोग हैं, ब्रह्मचारी जी सखी शरण सबका भोजन वहीं से बन के आता है, तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा मान मंदिर से। हमने उस कागज को देखा, क्योंकि उन्होंने दिया था ला करके, हमने कही बात सही है, तुम संभल के चलो। ने घर घूरे बिक जाएंगे। उसने कहा कि महाराज ये तो वैसे ही छूटेंगे, मैं मरूंगी, ये आदत हमारी नहीं जाएगी, मना कर दिया। सर्वभाव उसको कहते हैं, कुछ न कुछ था
जब ही आज संतान परिवार में इतनी बढ़ रही है, सर्वभाव की शरणागति, न बेटा न बहू न पति न कुछ, न लोक न समाज, ये सब ध्यान नहीं रहे, एकमात्र भगवान ही ध्यान रहे। इसका एक अंश भी आ जाएगा तो चमत्कार आ जाएगा। एक अंश भी आ जाएगा। अब हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, देखो हमने सोचा कि रस मंडप में कुंजों की छटा बन जाए, सोचा ही था। अब कल पता पड़ा कि 6.5 लाख रुपए मुरली के हैं। हमने कहा इतना तो नहीं होना चाहिए, कुछ दिल्ली वालों ने मिलाया होगा। बोले नहीं, पुरानी कथा का 5 लाख था, फिर कोई और एक प्रोग्राम हुआ था फुटकर, और उससे कई लताएं कई कुंजें आ जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है, केवल सुमति से ही यह चमत्कार हो गया। हम रोज अनुभव कर रहे हैं ये मंदिर कैसे चल रहा है। 17 लाख रुपए रोज का गौशाला खर्च है, न कोई मांगता है न कोई कहता है, ये कैसे चल रहा है। ये सुमति से चल रहा है। आज अपना पैसा अकाउंट अलग रखने लग जाएं ब्रह्मचर्य जी तो सब चला जाएगा। सर्वभाव जब आ जाता है वो हम लोगों में नहीं है, अवश्य चमत्कार होता है, उसको आराधना कहते हैं। आराधना से हृदय शुद्ध हो जाता है। आराधना मैंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया। आ समंतात, आ माने होता है चारों ओर से, राधन संसिद्धौ धातु, चारों ओर से तुमने सब कुछ दिया वो संसिद्धि हो गई, उसको आराधन कहते हैं। आराधना इसलिए शुरू की गई त्रेता में कि अब अज्ञानात्मता दूर हो जाए, हर प्राणी में भाव पैदा हो जाए। 7-14-39 सृष्टि के सबसे पहले भगवान ने आराधना किया। ये भगवान कृष्ण ने आराधना शुरू किया था। ये लंबा प्रसंग है, ये तो कल बताएंगे क्योंकि समय हो गया। उन्होंने आराधना शुरू किया जिससे सृष्टि के सब लोग आराधना सीखें। पुरुष सूक्त बनाया गया, प्रकट हुआ, बनाया नहीं प्रकट हुआ। पुरुष सूक्त में केवल आराधना है और कुछ नहीं है। इस आराधना से हृदय शुद्ध हो जाता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ भगवान का है, उसी को दे दो। हम लोग दे नहीं पाते हैं, राग द्वेष में फंसे रहते हैं। आज हर संप्रदाय में राग द्वेष घुस गया है।
इसने किसी संप्रदाय में 7-14-40 नारदा पुरुषद विषाम द्वेष आ गया तो नारथदा आराधना कहीं भी सफल नहीं है। ये विषय अभी कल चलेगा। और आराधना से मिट जाएंगे? हाँ, आराधना हो रही है फिर भी नहीं मिट रहे हैं। यही तो हम बताएंगे कल। ये लंबा विषय है, सर्व भाव नहीं है उसमें। सर्व भाव होना चाहिए। ये लंबा विषय है, सर्व भाव क्यों नहीं है? जहां आसक्ति होती वहीं पर भाव होता है। अब पूछा इन्होंने तो बता दें थोड़े में। गीता खोलो 7वां अध्याय शायद होगा, मई आसक्त मना पार्थ है, मेरे में आसक्ति करो। आसक्ति हमारे अपने बेटा में बेटी में तो भाव वहीं पैदा होगा। अपने बेटा के लिए जमीन जायदाद रखें, आसक्ति अपनी बहू में तो उसके लिए साड़ी खरीदें, गहना बनवावें। जहां आसक्ति होती वहीं पर भाव पैदा होता है। शरीर में आसक्ति है तो यहां भी आके लड्डू पेड़ा, इंद्रियों में आसक्ति है तो यहां भी इंद्रियों का भोग। ये थोड़े में बता दिया, विस्तार से कल कहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।